नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। युवा मोर्चा ने किया भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। युवा मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे यूथ कनेक्ट अभियान के तहत 19 मई को टीकमगढ़ में विधानसभा स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नुनाजी, टीकमगढ़ विधायक श्री राकेश गिरी, पूर्व विधायक श्री के श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री श्री राहुल तिवारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जी अभय प्रताप सिंह यादव शामिल हुए, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष अमित नुनाजी ने कहा कि यूथ कनेक्ट अभियान, मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और अशोक जैसा सम्राट हुआ करता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप रंग पहनावा बदल जाता है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे अपना भूगोल समझने से पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ जाता था। यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण, मेरे मित्रगण और मेरे भाई बहन, मैं सभी को अपना नमस्कार देना चाहता हूँ। मेरा नाम आदित्य यादव है और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मेरा विषय है नए भारत में युवाओं की भूमिका। युवा, यह शब्द अपने आप में ही कई कहानियां समेटे हुए है, जिसमें स्वामी विवेकानंद से लेकर वीर भगत सिंह, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। युवा आखिर कौन है? युवा, युवा जो निर्भीक है, निडर है, राष्ट्र विकास का आधार है, जीवन की उमंग है, सपनों का संसार है। आज ही युवा ही राष्ट्र विकास का आधार है। आदरणीय युवा मोर्चा पदाधिकारीगण एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मित्रगण, सहभागी, आप सभी यह जानते हैं कि राष्ट्र है क्या, लेकिन राष्ट्र निर्माण अर्थात किसी राष्ट्र के प्रादुर्भाव के बाद उस राष्ट्र की शक्ति का उपयोग करते हुए उस राष्ट्र को विश्व स्तर पर एक अनोखी पहचान दिलाना ही राष्ट्र निर्माण है। और जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं समसामयिक विकास का संदर्भ जरूर ध्यान में रखना पड़ता है और इसमें युवाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। युवा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर।